वहीं विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुघ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि ये फैसला मैंने हमारे नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प रखा है उनसे प्रेरित होकर लिया है। वहीं पीएम मोदी ने देश हित के जो कार्य किए हैं उसी के कारण तीसरी बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि मनोहर लाल खट्टर और पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी बंसी लाल के साथ काम किया है। हम भाजपा से जुड़ रहे हैं ताकि हम देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। आज का ये दिन बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश के, आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है, क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था लेकिन अभी हुआ, लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। 1996 से 98 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चूंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला उस समय बहन किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें उसी के कारण आज तीसरी बार जो है अपने आप में एक इतिहास है दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047। ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार
सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है, आज उसी तरीके से मेहनत के साथ भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके।